आज हम लोग बनाएंगे कुकीज़ जो कि बिस्किट से बनी हुई रहेगी और बहुत ही क्रंची यम्मी और चॉकलेट होगी। बच्चों को तो पसंद आना ही है, बड़ों को भी बहुत अच्छी लगेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मधुस ऑनलाइन रेसिपीज़। जो कुकीज़ आज हम बनाएंगे वो है बिस्किट से हम लोग बहुत ही ईजी तरीके से कुकीज़ बनाएंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी ज़रूर से दबाएँ। कुकीज़ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आटा मेरी बिस्किट्स लिए है, बिस्पंग कंपनी का मैंने लिया है। ये हमारी 125 ग्राम जितनी है। अब इन बिस्किट्स को हम तोड़ लेते हैं। मैंने आटा वाली मेरी बिस्किट यहाँ पे यूज़ करी है। और अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो कई बार होता है कि हम लोग पैकेट्स लाते हैं जिसमें बिस्किट्स टूटे हुए रहते हैं, तो उससे भी हम लोग ये बना सकते हैं। तो ये हमने टुकड़े कर लिए हैं। अब इसे साइड में करके हम दूसरे बाउल में लेंगे 100 ग्राम जितनी कंडेंस्ड मिल्क। ये मेरा घर पर ही बनाया हुआ है और इसका लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। ये कंडेंस्ड मिल्क है जो कि 1/2 कप है, उससे कम है हमारा थोड़ा। अब साथ में हम लोग डालेंगे क्लेरिफाइड बटर, ये हमारा 50 ग्राम है यानी 1/3 कप जितना हमारा है। कोको पाउडर हमने लिया है 4 टेबलस्पून, इसके अंदर हम लोग डाल देंगे कोको पाउडर। अब इन तीनों चीज़ को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये कुकीज़ बहुत ही आसानी से बन जाती है और सबको बहुत पसंद आता है। ये देखिए, इस तरह से हमें पूरा एकदम अच्छे से उनको मिक्स कर लेना है। अभी ये जो हमने बैटर तैयार किया है ये वाला अब हम लोग डाल देंगे, हमारे जो बिस्किट हमने पीसेस करके रखे थे उसके अंदर में इस बैटर को हम लोग अब डाल देंगे। अब इसे हम धीरे धीरे करके अच्छे से पूरा मिक्स कर लेना है कि पूरा जितने भी टुकड़े जो हमारे पीसेस हैं बिस्किट्स के सबके अंदर इसकी कोट हो जानी चाहिए इस तरीके से। ये देखिए, ये बहुत ही आसानी से बन जाता है और खाने में भी बहुत ही यम्मी लगता है। आप चाहें तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स और या नट्स भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक प्लास्टिक शीट या एल्युमिनियम फॉइल कुछ भी आप लेंगे, उसके अंदर आप इस तरह से इसे मिक्सचर को स्प्रेड करिए वाला। हमें एक रोल हम लोग इसका बनाएंगे तो उसी तरीके से इसको आप डालिएगा। अब एक तरफ से इसे हम लोग कवर करके इस तरह से इसका फोल्ड करेंगे। अभी हमने जो स्प्रेड यहाँ पे मिक्सचर किया है इसकी बाइंडिंग नहीं हुई है, तो हम लोग अभी हाथ से इसको फोल्ड करने टाइम में इतना ध्यान रखें कि हमें इसको बाइंडिंग फॉर्म में लेकर के आना है। तो उसे आप दबा दबा करके उसे करें, दोनों चारों तरफ से आप इसे दबाते रहें, दोनों जो एजेस हैं उनको भी आप प्रेस करते रहें ताकि एक बाइंडिंग अच्छा हमारा इसमें फॉर्म हो जाए और एक अच्छा रोल बन करके आ जाए। अब क्या करेंगे, एक साइड का जो है उसे हम जैसे चॉकलेट को रैप करते हैं उस तरीके से रैप करके अब रबर बैंड से इसे बांध देंगे ताकि उस तरफ से वो लूज ना पड़े हमारा। फिर से इधर से दबा करके उस दोनों साइड से हम लोग रबर बैंड से इसे टाइट से एकदम बांध देंगे। तो ये दोनों जो हमारे एजेस है वो एकदम टाइटली बाइंड हो गए। अब बीच को हम लोग हाथ से दबा करके अच्छा एकदम बाइंडिंग फॉर्म में से हम लोग ले आएंगे। इस तरह से एक तो हमें ये इसका रोल बना लेना है। ये देखिए, ये इस तरह से हमारा ये बन गया है। अब इसे हम 3 से 4 घंटे के लिए हम लोग फ्रिज में इसे रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा टाइट होके सेट हो जाए। लगभग 3 घंटे हो चुके हैं। अब इसे हम लोग खोलते हैं रबर बैंड्स को साइड का हमारे, देखते हैं कि कैसा बाइंडिंग हमारा हुआ है। ये प्लास्टिक शीट को हम लोग हटा देंगे अब इसका। ये देखिए, ये एकदम टाइट हमारा बाइंडिंग हो चुका है। जब आप बाइंडिंग करें इस चीज़ का जरूर ध्यान दें कि वो एकदम अच्छे से टाइट रहे, लूज ना रहे उसके अंदर। अब इसको कोई भी नाइफ से आप इसके स्लाइस कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग एज का एक तो पतला सा स्लाइस निकाल लेंगे जो कि अनइवन हमारा रहता है साइड का। अब उसके बाद में हम लोग इक्वली इसे कट करके हम लोग इसके स्लाइसेस बना लेंगे। ये बहुत ही क्रंची लगता है और बहुत ही चॉकलेटी लगता है, टेस्टी बहुत लगता है ये खाने के अंदर में और बच्चों को बहुत ही यम्मी लगता है। ये हमारे बचे हुए बिस्किट्स या कई बार होते हैं कि पूरे बेक नहीं रहते हैं थोड़े से, उन बिस्किट से भी ये वाला हम लोग बना सकते हैं और सबको पसंद भी आ जाएगा और हमारे को बिस्किट्स भी यूज आ जाएगा। ये देखिए, हमारी कुकीज़ बनकर के तैयार हो गई है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में भी, तो सोचिए खाने में कितनी अच्छी लगेगी। जो बिस्किट का जो क्रंचीनेस है और साथ में चॉकलेट का जो टेस्ट इसके साथ में आता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़। Please like, share and subscribe to my channel.